A leading magazine conducted a survey of 4B schools, S1, S2, S3, S4, based on 4 different parameters, P1, P2, P3, and P4. In the survey, they awarded some points to the B schools on different parameters. Some of the points distributed to all the B school in parameter is equal for all the parameter. अच्छा, मतलब ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो सम ऑफ पॉइंट है ना हर पैरामीटर के, वो टोटल इक्वल है. इन एवरी पैरामीटर पॉइंट गॉट बाय 4 बी स्कूल आर इन द फॉर्म ऑफ 4 डिफरेंट एपीज. बढ़िया भाई. इन एनी ऑफ द 4 पैरामीटर्स बी स्कूल गेटिंग हाईएस्ट पॉइंट इज रैंक 1 एंड द वन गेटिंग लोएस्ट पॉइंट इज रैंक 4. ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं. सबसे पहली बात तो मेरे को समझ में आ गई इसका स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए. पैरामीटर 4 है, इन सबका टोटल सेम होना चाहिए. ठीक है, और अच्छा स्ट्रक्चर तो यही था आपका या कुछ और था? यही था सर, सर यही था। ठीक है, तो ये बना लिया मैंने स्ट्रक्चर. देखने में इजी साइड लग रहा है, पर जनरली क्या होता है केसेस बन जाते हैं तो ये सेट कॉम्प्लिकेटेड थोड़े हो जाते हैं. कंडीशन क्या क्या है? इन एनी पैरामीटर ऑल द स्कूल वर अवॉर्डेड डिस्टिंक्ट पॉइंट, ऑल वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, समझ में आता है. S3 20 इन P1, S3 20 इन P1, और ये थर्ड रैंक है, मतलब दो से बेटर स्कोर मिले हैं. यस ये पैरामीटर 1 की थर्ड रैंक है ये, समझ गए? और पॉइंट्स अवॉर्डेड टू एनी सर, बी स्कोर इन 4 पैरामीटर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव समझ में आता है, और इन सबका टोटल सेम है, मतलब इसका जो टोटल है वो इसका टोटल है, वो इसका टोटल है, वो इसका टोटल है. तो ये तो आई थिंक इफ वाले क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. हाँ सर, इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें। व्हाट कुड बी द मिनिमम टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स बाय एनी बी स्कूल? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 18 आंसर दे रखा है. व्हाट कुड बी द मिनिमम टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स गॉट बाय अ बी स्कूल? किसी भी एक बी स्कूल को मिनिमम पॉइंट्स कितने मिल सकते हैं? किसी भी एक बी स्कूल को क्या करें बच्चों, कैसे करना चाहिए? मिनिमम करना है तो ना सर। सबसे पहले एपी निकाल के देखी थी मैंने तो सर, जो पॉसिबल बन सकती थी। देखो, जो मेरे को पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि इनका टोटल सेम है, तो एक और पॉइंट सारी एपी है, वैल्यू डिस्टिंक्ट है, 2 पॉइंट और ये सारे एपी में है, 3 पॉइंट अलग-अलग एपीज हैं। ये अलग अलग एपी में, ऑब्वियसली यहाँ क्योंकि हाँ डिस्टिंक्ट है ना सारे. एक वैल्यू गिवन है केवल 20. अब यदि मैं 20 से एपी बनाऊं तो एक बात समझना, जैसे मैं यहाँ 5 ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो ये 15 का गैप हुआ, तो यस 15 का गैप सर। हुआ, तो 15 का गैप हुआ, बन गई एपी, हाँ समझ रहे हो बात? यस सर, पर इससे मुझे क्या बोला है कि किसी एक सबके अलग हैं सर। मिनिमम स्कोर बताना है किसी स्कूल का, तो यार मिनिमम बताना है तो क्यों मैं 5 दूं? मैं तो 0 दूंगा भाई, 5 क्यों दूं? अब यदि मैंने इसको 0 दे दिया तो ये फोर्थ रैंकर हो गया, यस सर। और हाँ यदि ये सर। एपी है और ये थर्ड और फोर्थ टर्म है तो ये वाली टर्म मेरे हिसाब से 40 होगी, ये वाली टर्म मेरे 40 है। हिसाब से 60 होगी. समझ में हाँ आया नहीं आया यस ये सर। हाँ लॉजिक? समझ में आया कि 0 क्यों दिया? अरे मेरे को मिनिमम देना है ना, तो मैं क्यों 5 पॉइंट दूं? मैं तो 0 दूंगा. P1 का सम कितना हो गया? 120. अब P2 का भी 120 करना है, यस सर। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे मिनिमम स्कोर आए, ये मिनिमम आए, ये मिनिमम आए, ये मिनिमम आए, तो एक काम करता हूं मैं इसको 1 दे देता हूं. सर डी ने पॉइंट अब एक बात समझ लो, यदि आप समझ गए तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे. सर 120 नहीं बैठ पाएगा ना चार समेशन। टर्म्स का सम आपको 120 चाहिए ना, हाँ तो इनका सम 60 होगा और इनका भी सम 60 होगा, हाँ आप समझ लो. सर, हाँ बोलो बेटा. मैंने तो क्या ए को 1 रख के सम का फॉर्मूला लगा के देख लिया था, तो मेरा 1 में डी पॉइंट्स में आ रहा था, मतलब नहीं है अरे पॉसिबल। इतनी माथा मोटी करनी नहीं है ना, काय का फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको, रुको.
यदि मैंने मिनिमम वैल्यू को 1 मान लिया और इसको 59 दे दिया, 59 तो बैठ नहीं पाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म होता है मेरा, हाँ और हाँ फोर्थ टर्म क्या सर। होता है, ए प्लस 3 डी। हाँ तो ए प्लस 3 डी इज इक्वल टू 59, जैसे 3 डी 58 तो 58 डी पॉइंट्स में आएगा। पॉइंट हाँ में आ सर, रहा है। ना जाएगा हो नहीं। पाएगा भैया, ना हो पाएगा। हाँ तो आप क्या बोलोगे सर, 2 for 258 ले लो, तो 2 plus 3 डी इक्वल टू 58, डी आ गया 56/3, ना हो पाएगा। हाँ आप हाँ बोलोगे सर। सर ए को 3 और एक को 57 ले लो, तो ए प्लस 3 डी इक्वल टू 57, थ्री ये बैठ डी जाएगा सर 54 इक्वल टू 19। 18। अरे हाँ वाह बच्चों, ये बैठ जाएगा। ना तो यहां पर कितना आ गया 3, और कॉमन डिफरेंस हाँ कितने का आ गया, 18 18 देख लो आप 57 करके 120 सर। हो गया तो सर। ये अच्छा ओके। आंसर हो इसमें गया रैंक्स का कंफ्यूजन हो रहा है सर। इसमें ऐसे ही चलेगा क्या, मतलब रैंक मेरे को, सीक्वेंशियली? तो बेटा मेरे को केवल S4 से मतलब है, ये चाहे आगे अच्छा पीछे कहीं अच्छा भी हो, मेरे को केवल S4 से मतलब है, क्योंकि हाँ डन। मिनिमम मैं उसी को पकड़ के रखा हूं ना। अब बेटा यदि ये 0 से 3 आ रहा है, तो मैं एक और बात समझ गया कि 3 दिन की गैप में चलेंगी तीन चीजें, का तो गैप। हाँ सर। यदि ये 6 है तो ये 54 होगा, हाँ तो डी कितना आ जाएगा, ए प्लस 3 डी इज सर इक्वल टू फोर्टीन। 54, तो डी आ गया 16 का, 22, 38। सर हाँ बेटा, फिर आपने ये जो 60 वाली चीज करी ना कि फर्स्ट और लास्ट में 60, वो एपी वाले उससे करिए या फिर एवरेज वाले उससे करिए, कि मतलब लास्ट वाले भी दोनों 60 होनी चाहिए और बीच वाले भी दोनों 60 होनी बेटा चाहिए, एपी वाले से, एपी वाले से। एपी वाले से? ठीक है हाँ सर। है ना, सर इसका लॉजिक भी चलो समझा देता हूँ, क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, इसका लॉजिक भी समझाता हूँ ना आपको। जैसे यस 4 टर्म जब अपन एपी में लेते हैं तो क्या अज्यूम करते हैं, यदि आप लोग को याद हो तो। ए ए माइनस डी। नहीं, ए माइनस 3 डी, ए हाँ ए माइनस डी, माइनस डी, ए ए प्लस डी, प्लस ए डी और प्लस डी ए डी प्लस थ्री थ्री तो बेटा इन दोनों का सम कितना आ रहा है, ए टू ए सॉरी हाँ इन दोनों का सम कितना आ रहा है, टू ए। टू। आप समझ गए मैंने ये बात क्यों बोली थी। अच्छा ठीक है सर। तो हमेशा आपका जो एक्सट्रीम्स का सम होता है वो मिड वैल्यूज के सम के इक्वल आता है, इसलिए बोलूं। आप हाँ कदम सर किस इसमें क्वेश्चन बोल रहे थे ट्राई बेटा, प्रथम किया किया था। यस सर, सर बोल रहे थे आप बेटा, क्वेश्चन वो होगा सर, वो समझ गया मैं। समझ गए। हाँ तो अगला मेरे को पता चल गया 9, और ये सब क्या है बच्चों, जनरलाइज करना ही तो है, 3 दिन का गैप चल रहा है, ये जनरलाइज ही तो है। तो ये 51 हो गया, तो 14 का गैप आया, 23, 37 बन गई चारों एपी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, किसी भी कॉलेज का मिनिमम स्कोर कितना हो सकता है, 18। 18 हाँ आया था कैसे करना था, यस यस। सर। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टोटल पॉइंट ऑफ ए सर बी स्कूल, रैंक वन का टोटल कर लेंगे। और हाँ मैक्सिमम करना है एक बार रैंक वन। अच्छा देखो ये मिनिमम होगा तो ऑब्वियसली ये मैक्सिमम हो रहा होगा, करना टोटल कितना आ रहा है इसका। टू 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 ही आ रहा है सर। बहुत ही बढ़िया, एक बार में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए बच्चों आपने। अगला आओ, S4 की 4th रैंक आई है सारे पैरामीटर्स में, देन द टोटल पॉइंट्स अवार्डेड टू S4 इन ऑल द 4 पैरामीटर पुट टुगेदर कैन नॉट बी मोर देन, मतलब मैक्सिमम पॉइंट बताने हैं S4 के, और S4 की जो रैंक फोर्थ आई है ना वो हमेशा 4th आई आई है, है। हाँ और इसके पॉइंट को मैक्सिमम करना है। अब क्या करें यार, सर जो ऊपर S4 अपन ने 0 लिया था उसको 10 ले सकते हैं ना? कुछ भी ले सकते हो बिल्कुल आपकी इच्छा है, प्रोवाइडेड जो इन्होंने कंडीशन बोली है वो गलत नहीं होनी चाहिए। देखो मैं समझाता हूं, ढंग से समझोगे बच्चों। अब आपको क्या करना है, S4 को मैक्सिमाइज करना है, केवल एक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कि S4 सबसे गंदी रैंक है। अच्छा एक बार कोई और क्वेश्चन, इस एक बार इस टेबल की फोटो खींच लो बच्चों, बाई चांस कहीं आगे काम आ रही हो। यहीं से हो जाएगा ना नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं से हो जाएगा, बताओ कैसे। मतलब S4 मैक्सिमाइज करना इज द सेम एज सेइंग S1 मैक्सिमाइज करना है, तो S1 का नहीं टोटल ही आ नहीं रहा नहीं है। नहीं 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 विद द कंडीशन दैट S4 रिसीव्स 4th रैंक इन ईच ऑफ द पैरामीटर,
तो यदि आप बोलो कि S4 का S1 मान लो, तो बेटा उसके तो फर्स्ट रैंक है पैरामीटर में, कैसे मान लो, समझ अच्छा हाँ ठीक है सर। गए ना? तो फोर्थ रैंक देते हुए उसका स्कोर मैक्सिमाइज, सर फोर्थ रैंक देते हुए। हाँ बोलो बेटा। सर मैंने इसमें यही किया था, जैसे इधर 3, 6, 9 ये आ रहा ना हमारा फर्स्ट टर्म, उसको हाँ मैक्सिमाइज करना था तो मैंने एक हाँ बड़ी वैल्यू ले ली थी, 15 से ट्राई करके देख लिया था मैं एक बार बिल्कुल फिफ्टीन। करता हूँ। आप 15 हाँ बोल सर। रहे हो, मैं तो 19 लूंगा। बोलो किसको दिक्कत हाँ है सर 19 से करके भाई, देखें क्यों तो 15 ले फिर रहे हो, समस्या नहीं बैठेगा। क्यों 15 ले रहे हो? एक सेकंड रुकना बच्चों ना, अच्छा हाँ बच्चों, तो समझ गए। अब अपन को क्या, इसको फोर्थ रैंक पे रखना है हर पैरामीटर में, ये बात ध्यान रखनी है केवल, और इसको मैक्सिमम पॉइंट दिलवाना है। तो कितने दे दें यहाँ पर, 19 तो और सर ये पर एपी पर है, मीटर एपी में बेटर है। है सर। हाँ बोलो बेटा। अच्छा सॉरी अब वो 120 वाली चीज चली गई सॉरी। अब वो हाँ तो चली गई ना, वो तो क्वेश्चन हाँ हाँ स्पेसिफिक था। अब यदि 19 20 और 1 का डिफरेंस है, तो ये भी 1 का 21 डिफरेंस होगा, 21 ये भी 1 का डिफरेंस 22 होगा, 22 तो टोटल कितना हो रहा है, 82 82। तो सबका टोटल कितना होगा मेन 82 में? 82 आप 82 टोटल करोगे, और यार मैक्सिमम पॉइंट देना 41। चाहते हो, हाँ मैक्सिमम पॉइंट। यार एक बार बताओ, यदि आप 20 भी देते हो ना, तो अगले वाले के 21 देने पड़ेंगे, अगले वाले के 22 भी देने पड़ेंगे। तो नहीं होएगा फिर। हाँ भैया ये, अब मैं ये समझ गया हूँ, ये 19 से तो कमी वैल्यू आएगी, समझ गए? हाँ सर। सर और एक और कंडीशन है, सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, हाँ क्या तो सर करें? वही वो 1 के गैप में रिपीट होती रहेगी। अच्छा अब मैं फिर वही अपना वाला लॉजिक लगाऊंगा, 1 2 3 4, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 41, 41 और इन दोनों का सम कितना होना 41 चाहिए, 41। समझ 41 गए? अब बोलो क्या वैल्यू ले सकते हैं। नहीं आ रहा समझ में, 2 लेके देखू क्या, नहीं 2 क्या, सॉरी 18 लेकर देखू क्या? तो सर वैल्यूज तो सारी डिस्टिंक्ट यदि होनी 18 दूंगा तो चाहिए ये ना। 23 हो अच्छा जाएगी, 23। एपी नहीं हाँ रहेगा भाई, 5 का गैप आ रहा है, तो एपी नहीं बन पाएगा। अच्छा हाँ नहीं बन 17 पाएगा।2 तो ये 24 हो जाएगा, नो सर ये भी नहीं 18 हो बैठेगा। नहीं जाएगा, बैठ पाएगा। 16 लू तो ये 25 हो जाएगा, 25 सर ये बैठ जाएगा, बैठ ये जाएगा, 9 का बैठ जाएगा। बैठ जा रहे हाँ हैं सर। तो दे दे 16 रैंक। सर हाँ सर बाकी अपन 16 सर 7 और 34 आ जाएगी बीच में। 41 7 + 34 41 तो डिस्टिंक्ट हो जाएगी तो यदि मैंने इसको दे दिया कौन सा, 16, 7 16 16 25 34। नहीं, इसको फोर्थ को 16 बोल रहे हो, तो बेटा इससे बड़ी ही देनी है। अच्छा हम फर्स्ट रख रहे हैं ओके मैंने उसको सर तो सबसे फिर गंदी कैंस रैंक यही है ना, सर फिर डी नहीं बैठ रहा ना। मेरे हिसाब से तो डी बैठेगा ही नहीं, तो 16 तो दे ही नहीं सकता मैं। नहीं सर हाँ डी नहीं बैठ रहा 15 सर, 7 मैंने पूरा करके देख लिया नहीं बैठ रहा, सीधा 7 पे बैठ रहा है। पे बैठ रहा है, बिठा दो हाँ 7। तो ये सेवन कितना हो गया, 16 20 16 कितना सेवन कटा था, 41, सिक्सटीन ट्वेंटी तो फाइव 34 हो गया 34। लास्ट तक। हाँ हाँ और ये a+3d है, तो 3d कितना आ गया, 27। तो d कितना आ गया, 9 का, तो 16 25 34 25 34। बैठ हाँ गया, हाँ इसके बाद सर 4 पे बैठ रहे हैं, 4 पे बैठ रहा है 4, फोर तो ये फिफ्टीन आ जाएगा 41 करना है, तो 37, फिफ्टीन और 26। 11 11 11 11 का डिफरेंस हो गया, 15 26, और हाँ लास्ट 26 1 14 27 40। 27 41 हो गया, और 40। तो ये केसेस क्या बना के देखने पड़ेंगे बच्चों, पर मैंने S4 को मिनिमम मैक्सिमम रैंक्स दी है। मैं तो 19 के बाद 18 भी देना चाह रहा था, पर मैं दे ही नहीं पा रहा था, मैं क्या करूं, तो यही रैंक दे पाया। अब इसने क्वेश्चन में क्या सर एक पूछा है, और चीज भी तो कर सकते हैं क्या हाँ सर, जैसे अपन ने ये किया था ना इधर इसको 19 दिया हम इसको 21। अच्छा हाँ वो S4 वो हो जाएगा ओके। हाँ तो
रैंक फिक्स है ना 20 वाली सर पर क्वेश्चन। किसी और में तो कर ही सकते हैं ना, इसमें नहीं करके, इसमें हम इसको कुछ और देके 19 से तो हमने ट्राई कर लिया, और इसका सम बैठ भी नहीं रहा सर ऑप्शन में किसी नंबर के साथ। बिल्कुल सही बेटा, आप बोलोगे 21 दे दो जैसे किसी में, राइट? नहीं सर, जैसे मैंने ऐसे किया था कि अपन ने फर्स्ट केस लिया था ना सर 60-40-20-0, जिसमें 120 सम आया था, आया था हाँ, तो उसमें मैंने एक बार ना 25 पुट करके देखा था, 25 मतलब वर्स्ट रैंक 25, बेटा, तो भी मेरा डी नेगेटिव आ रहा था, मेरा 24 यदि पे 25 पॉजिटिव। आप ले लेते हो ना, हाँ तो ये मिनिमम 26, मिनिमम 27, मिनिमम 28 है, हाँ और फिर ये सर मैंने आपको इस 82 पे रोकना था, सम भी तो 82, टोटल 82 ही रखना है, तो आप हाँ ले ही नहीं पाओगे उसको 19 से बड़ी वैल्यू तो कभी भी। सर 24 पे बैठ गया था, 24 बेटा 19 से बड़ी वैल्यू ले ही नहीं पाओगे, नहीं सर पर अच्छा हाँ ये सबसे छोटी वैल्यू है। यदि आप सबसे छोटी वैल्यू को 24 ले लोगे तो बेटा ये 100 क्रॉस कर जाएगा सब। देखो तो 82 पे रोकना है ना, फिर सर कैसे करेंगे? फिर यही अप्रोच है, यही सेट है जो बना है इसका। देखो दैट द टोटल पॉइंट्स अवॉर्डेड टू S4 इन ऑल द फोर पैरामीटर्स पुट टुगेदर कैन नॉट बी मोर देन रैंक 4 इन ऑल द फोर पैरामीटर्स, देन द टोटल पॉइंट अवॉर्डेड टू S4 इन ऑल द फोर पैरामीटर्स कैन नॉट बी मोर देन, कितना आ रहा है अपना, तो 31 आ रहा है यार। सर अपन और केसेस क्यों नहीं बिठा रहे हैं? S4 में अपन ने अभी 19 लिया। अरे पर एक सेकेंड एक सेकेंड, एक गड़बड़ है, एक गड़बड़ है, पता है हाँ क्या, नीचे वन आ गया ऐसा। ये S4 तो अपन ने मन से माना है ना, ये S1 भी तो हो हाँ सकता है, ये तो कुछ मतलब भी हो सकता है, ये S4 तो मन से सर माना है। S4 की फोर्थ रैंक है ना पर अपने को। नहीं रे, S4 की फोर्थ रैंक है ना, हाँ S4 की फोर्थ रैंक है, देन हाँ द टोटल पॉइंट फोर्थ रैंक अवॉर्डेड तो टू वैसे भी कम S4, होएगा सबसे। यार S4 की फोर्थ रैंक रखनी है तो ये तो 31 ही आ रहा है फिर। सर एक बात बताओ, अगर अपन ने ऊपर 19 लिया लेकिन नीचे कितने डिजिट्स ऑलरेडी बहुत कम आ रहे हैं, जैसे 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7, अगर अपन कुछ और ले और नीचे कुछ इक्वलाइज बैठे, जैसे अपन करते हैं ना, मैक्सिमम कब आएगा जब थोड़ा नहीं पास की क्लोज की बैठेगा, वैल्यूज रहेगी। नहीं सर इन्होंने जो बैठेगा, सोल्यूशन दिया है ना उसमें बैठ रहा है। नहीं रुक जाओ एक सेकेंड का देखने दो। 0, 21, 24, 27, ये क्या केस ले लिया इन्होंने, 0, 20, 40, 60, 21। अच्छा एक सेकेंड, ओ सही कर रहे हैं अपन एकदम, पर हाँ सर, इसमें केवल एक चीज ध्यान रखनी है, पिछले वाले केस की फोटो खींची है आपने, हाँ सर लिए मैंने उसमें क्या क्या वैल्यू थी, आई थिंक 20, नहीं नहीं 20 नहीं थी, सर 0, मैं थ्री बता देती हूँ, जीरो थ्री 0, 20, 40, 60, हाँ 0, 3, 6, 9 0, 3, 6, 9, 20, 21, 22, 23, हाँ 20, 21, 22, 23, 40, 39, 38, 37 हाँ और 60, 57, 54, 51, 57 हाँ अब ये क्या फिफ्टी बोलना वन चाह रहा है, हाँ व्हाइल मेकिंग फर्दर पॉसिबल केसेस फॉर अबाउट टेबल वी कैन सी दैट द फॉलोइंग ईपीआर पॉसिबल फॉर S4 टू हैव मैक्सिमम सम, जीरो, जी गलत बोल रहा है, बताऊं कैसे, एक सेकेंड, इसने रैंक 4, अच्छा ये S4 को हमेशा फोर्थ रैंक देना चाह रहा है ना बच्चों, तो इसने सर आगे की S4, प्लान देखो देखो बढ़ा। मैं आपको इनकी गलती बता देता हूँ, S4 को ये हमेशा फोर्थ रैंक देना चाह रहा है, मतलब सबसे गंदा स्कोर S4 को देगा। अब इसने क्या किया, जब काउंटिंग की ना तो 0 ले लिया, चलो सबसे गंदा है कि नहीं है, तो सर इसने सर पर वही तो किया, 21, नीचे 24, इक्वल 26, 27 भी तो सेकेंड, लोएस्ट की है ना अरे एक सब में से। सेकेंड, नहीं, इक्वल वैल्यूज ही तो लिए सर, हाँ मतलब सर क्लोज वैल्यूज सही, लिए है नीचे नहीं, तो। शानदार क्वेश्चन ही है, समझाता हूँ एक चीज मिस कर गया था मैं, जो चीज मैं मिस कर गया था ना वो ये है बच्चों कि जो टोटल है उसको बड़े से बड़ा रखो ना, क्या दिक्कत है, समझना अच्छा समझना समझना, अब मैं समझाता हूँ, ये देखो ढंग से समझना,
ये सर चीज क्योंकि तो है। क्वेश्चन में बोला है कैन नॉट बी मोर देन, तो हमको टोटल हाँ टोटल तो मैक्सिमम करना था ना, तो अपन ने क्या मैक्सिमम करना करना तो रहेगा। ट्वेंटी, हाँ अब देखना अब एक ट्वेंटी बार में आएगा, कंसिडर करते हुए। हाँ ये था बेटा हाँ ये था, और अपन ने इसमें लिया था तो क्या लिया था अपने, जीरो एस थ्री जीरो ट्वेंटी ट्वेंटी 40 60 120 इससे टोटल ज्यादा कुछ लिया नहीं हो था। सकता क्योंकि जीरो से कम मैं कुछ ले नहीं सकता था, तो हाँ 120 मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं। हाँ सर हाँ मैक्सिमम वन और फिर ट्वेंटी मैं यहाँ देख रहा था S4 में 3 के मल्टीपल आ रहे थे राइट, हाँ हाँ सर तो 3 के मल्टीपल जैसे यदि मैं यहाँ 30 ले लूँ तो हाँ अपन को पता है कि इन दोनों का सम कितना करना है 60 60, तो यहाँ60 पर भी 30 आएगा तो अप्रोक्सीमेटली सेम हो नहीं सकता। सेम हो हाँ जाएगा राइट 27 राइट। चलो और मेरे को ये तो पता है कि 3 के मल्टीपल लेने हैं 27 तो 27 33, ये भी 33 बनेगा क्या, 1 नहीं 29 ट्वेंटी 31 नाइन और और 31 31 हाँ बन गया 24 36, 6 कितने का डिफरेंस है 12 का, 12 हाँ का फोर तो मैं फोर के कर दूं गैप इसको के ट्वेंटी डिवाइड 3 बार में 18 और 32 एट और 32 बन गया, ट्वेंटी और अब 21 तो यहाँ कितना वन आएगा 39, हाँ कितना आएगा जल्दी बोलो 27 एट ट्वेंटी सेवन और 33 अब मैंने क्या किया, जो टोटल स्कोर था उसको मैक्सिमम कर दिया, और हाँ जो फोर्थ रैंक दिया हमेशा इसको दी है, सबसे गंदी रैंक तो इसी को दी है हमेशा S4 को ही, और S4 को उसका हाँ टोटल सर देखो कितना हो रहा है रैंक्स का, जीरो 72 ही हो ट्वेंटी रहा है सेवन सेवेंटी ट्वेंटी सेवेंटी टू फोर 72 72 हो रहा है। हाँ हाँ गजब भैया बढ़िया, अपन ने क्या गलती करी राइट, यहाँ पे मिनिमम स्कोर मत रखो, स्कोर को मैक्सिमम कर दो, अपन ने क्या मिनिमम करके देख लिया कि यार मिनिमम क्या हो सकता है, नहीं नहीं मैक्सिमम रखो आप, तो अपन ने सोचा एक जीरो हो जाएगा, अरे होने हाँ दो, एक जीरो होने के बावजूद भी ये सब मैक्सिमम हो रहा है, और यहाँ पर वही वैल्यू 19 होने के बावजूद भी टोटल मिनिमम दे रहा है। आपको याद है एक बात मैं बोलता हूँ, हमेशा एक्सट्रीम पर खेला करो, एक्सट्रीम पर, तो ठीक है अपन ने मिनिमम रख के देखा नहीं बैठा था तो मैक्सिमम रख के देखा बैठ गया, आया सामने बच्चों यस सर ये कौन सा था फिर, ये लास्ट है ना इसका, इफ सम ऑफ पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू बी इक्वल मिनिमम पॉसिबल, अब मिनिमम में 82 वाला ले लेंगे, देन द टोटल पॉइंट गॉट बाय बी स्कूल इज ए, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, ये लो केस बना हुआ है, इन चारों को ऐड करना, यही मैक्सिमम आ रही थी, हाँ सर यही हो रहा है 32 34 37 40 को ऐड करो 133 आ रहा है 133, अब हो गया समझ में आ गया, इन्होंने क्या बोला कि यदि मिनिमम पॉइंट दे सकते हो तो मिनिमम अपन 82 दे सकते थे, हाँ मिनिमम 82 था मैक्सिमम 120 120 था, था अब जब मिनिमम 82 दिया तो क्या हाईएस्ट स्कोर पॉसिबल था किसी भी स्कूल का, तो यही रैंक था वन ट्वेंटी का टू थर्टी फोर समेशन थर्टी फोर्टी, हो गया क्लियर है ये वाला। हाँ सर ये आपने ना वो एवरेज वाला तरीका सही बताया, मैं सम कर रही थी तो मेरे को टाइम वो सॉल्व लग करने गया में तो बेटा बहुत टाइम ले जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा, चलो ये सेट भी खत्म होता है।